जो मैं आपको ड्रग दिखा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज एपिनेस्टिन। एपिनेस्टिन एक ऐसी ड्रग है जो कि आई ड्रॉप्स में आती है और आईज़ की एलर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है जब आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को आई एलर्जी है। सो एपिनेस्टिन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन डिफरेंट फॉर्म में जो आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है। फार्माकोलॉजी बहुत ज़रूरी है इसकी, जैसे कि हिस्टामिन आपको पता है एलर्जी करता है, तो आपकी एपिनेस्टिन जो है वह हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है, हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है और वास्कुलर परमिएबिलिटी को इनहिबिट कर देती है, हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होता और कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होता। तो जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जो हैं वहाँ तक इसकी एफिनिटी है। तो एब्जॉर्प्शन जो है 3 से 5 मिनट के अंदर 8 घंटे का ड्यूरेशन देती है। प्रोटीन बाइंडिंग भी 64% है, यानी कि एक लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देगी। 12 घंटे की हाफ लाइफ है और टोटल बॉडी क्लियरेंस 66 लीटर्स पर आवर है। एक्सक्रीशन यूरिन और फीसिस में होती है। तो यानी कि एक ऐसी ड्रग है जो बार बार इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, यानी दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल करनी होती है। ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन है 0.05% का और क्लिनिकल यूजेस क्या है कि एंटीहिस्टामिन है तो ये इचिंग ऑफ द आईज को बंद कर देती है, यानी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ख़त्म कर देती है। आपने करना क्या है, 1 ड्रॉप 1 GTT का मतलब 1 ड्रॉप अफेक्टेड आई में लगाना है हर 12 घंटे, यानी दिन में सिर्फ 2 बार आप इस ड्रग का इस्तेमाल करेंगे और आपके जो है साइड इफेक्ट खत्म, जो एलर्जिक रिएक्शन है ख़त्म हो जाएगा। साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हेडेक हो सकता है, आईज के अंदर बर्निंग, फोलिकुलाइसिस, हाइपरीमिया, प्रोराइटिस या नॉन ऑकुलर इन्फेक्शन अगर हो सकता है कभी कभी, वो भी किसी अनयूजुअल कंडीशन की वजह से। और पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट कहती है कि लैक्रिमेशन होती है, यानी आंखों से पानी बहुत बहता है। तो अगर आपको डिटेल फार्माकोलॉजी जाननी है तो आप यूट्यूब पर जाकर शिबनूर मेडिसिन सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ एवरी ड्रग अवेलेबल है। शुक्रिया।